अभी की बड़ी खबरें आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर नए सिरे से बहाली होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर युवाओं को मिल सकती है खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार, आप STG न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए। यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर नए सिरे से बहाली होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती की नई अपडेट आ गई है, एक हफ्ते के अंदर मिल सकती है खुशखबरी। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं और पॉइंट पर बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बिहार स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर नए सिरे से बहाली हो रही है। हम बात कर रहे हैं, ये खबर दैनिक जागरण की तरफ से निकल के आ रही है, पूरा हम डिटेल दिखाने वाले हैं। पहले मामला था क्या, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में पिछली बार वैकेंसियां निकली थी, चाहे CHO की बात करें चाहे NHM की तुरंत निकली थी, लेकिन आरक्षण को लेकर वो सारी चीज़ें स्थगित कर देगी, उसका कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन सरकार अब नए सिरे से स्टार्ट करने जा रही है। स्टार्ट में बात सबसे ये निकल के आ रही है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला है कि 50% आरक्षण को से ज़्यादा आपको नहीं देना है, यानी 50% पर ही आपको जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसको पूरा करनी है। इसी के बीच ये अपडेट ये निकल के आ रही है कि 65,000 को जो अभी आरक्षण है उसको स्थगित किया जाए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में है ये मामला, जब तक उसका जजमेंट नहीं आएगा, इसलिए सरकार इससे पहले चाह रही है कि स्वास्थ्य विभाग में चाहे जितने भी 45,000 वैकेंसियां हैं उसको 50% आरक्षण पर क्लियर किया जाए। हम पूरी डिटेल आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो के साथ बने रहिए। हम देख सकते हैं दैनिक जागरण के पेज पर है और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती एक हफ्ते के अंदर युवाओं को मिल सकती है खुशखबरी। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो CHO GNA में तमाम लोग आप इंतजार कर रहे थे। देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर बहाली की तैयारी है, एक हफ्ता के अंदर मिल सकता है खुशखबरी। जैसा कि हम बता रहे हैं, आरक्षण को लेकर चल रहे कन्फ्यूजन के चलते ये मामला लंबित था। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन ने विभाग को आदेश का इंतजार कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी रिक्त 45,000 पदों पर नए सिरे से नियुक्तियों की तैयारी में जुट गया है। लेकिन आरक्षण को लेकर जो संघर्ष में है, दूर किया जाए, जो बाधाएं हैं दूर के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रशासन विभाग को आदेश का इंतजार है। इंतजार इस बात की है कि 65% पर दिया जाए या 50% पर, जैसा कि आप जान रहे हैं। लेकिन जो ये अपडेट मिल रहे, आप ध्यान से समझ लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए कि जो ये अपडेट है, अगर ये वैकेंसी हफ्ता दिन के अंदर अगर गुड न्यूज मिलता है तो ये बात क्लियर है कि 50% आरक्षण पर ही ये बातें आपका होगा, यानी उसी पर सारी वैकेंसियाँ क्लियर की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य प्रशासन, जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश जारी होने के बाद नियुक्तियों के संबंध में जारी करेगा। स्वास्थ्य विभाग जून से प्रारंभ 45,000 अधिक पदों का आकलन करते हुए विभाग में नियुक्तियां प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिए थे। मंत्री स्तर पर बैठक का निर्णय लिया गया था, अक्टूबर तक रिक्त पदों को नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य के साथ आगे बढ़ जाएगा। यानी ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं समीक्षा बैठक में क्या हुआ है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर समीक्षा बैठक, हाल ही में एक समीक्षा बैठक, एक बार फिर नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। बैठक में सहमति बनेगी आरक्षण को लेकर तकनीकी बाधाएँ के देखते हुए समान प्रशासन विभाग में आरक्षण को संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश या गाइडलाइन जारी होने के बाद ही प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। सूत्रों के मानो तो संभावना सामान्य प्रशासन के नए सिरे से आरक्षण को 50% सीमा के आधार पर नियुक्तियां करने के संबंध में आदेश जारी कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे पहले भी ये हो चुका है, जैसा कि हम बता रहे हैं, उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर ही स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की बहाली शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या पद हैं, आप देखते हैं सहायक अध्यापक का 1349, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3523, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा के 1290, दंत चिकित्सा के 64 और ट्यूटर की बात करें तो 362, नर्स की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 6298, ANM की बात करें तो 15,089, फार्मासिस्ट का देख लें 3637, एक्सरे की बात करें तो आप 8,808,
और ओटी सहायक की बात करें 1326 है, ईसीजी टेक्नीशियन का आप देख सकते हैं 163 है, लैब टेक्नीशियन के 3080 है, ड्रेसर का 1562 है, सीएचओ का 4500। अभी तमाम वैकेंसियां जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप लोग निराश हो गए थे, चाहे वो सीएचओ की बात करो, ड्रेसर की बात करो, लैब टेक्नीशियन की बात करो, ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें, ओटी सहायक, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम, नर्स, ट्यूटर, जन चिकित्सक, समान चिकित्सा पदाधिकारी, संविदा, ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो कि निराश हो गए थे कि अब वैकेंसियाँ कब आएगी। उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोग फिर से अपनी लग जाइए, तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। और एक हफ्ते के अंदर ये आपको अपडेट मिलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर आरक्षण की बात की जाए तो अब जो है 50% पर ही आरक्षण को जितनी वैकेंसियां अभी क्लियर की जाएगी, और एक हफ्ते के अंदर आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आज की न्यूज में ये वक्त हो गया विदा लेने का, देखते तमाम करो के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ, यूट्यूब पर देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे थे इस पेज को लाइक कीजिए।